फ्यूचर कट करो। और व्यू दिखाऊं, ये देखो हम कहां पहुंच गए। सो यहां से अब नीचे उतरना है हमें। सो ये बता रहे हैं कि आगे ना बहुत ही डाउन है, तो यहां से टर्न कर लो। तो यहाँ से बोल रहे हैं बहुत दिक्कत होगी। तो ठीक है, जब यहाँ के लोकल उतार रहे हैं तो फिर रिस्क क्यों लेना, फिर सुबह वापस टर्न करके आगे वाले रोड से चलते हैं। सो आगे से जाएंगे अब भीमताल के लिए। सो इतने प्यारे प्यारे व्यूज मिल रहे हैं ना अभी देखने के लिए, ट्रैफिक नहीं इस रोड पे, मजा भी आ रहा है। मैं फिर से लास्ट में आ गया, क्योंकि आगे जो बाइकें चल रही है ना, पीछे से उनका व्यू ना बहुत प्यारा आ रहा है, तो वो भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सबसे लास्ट में चल रहा हूँ। देख रहे हो चारों बाइकें कैसे चल रही है, मजे में आ गए। तो आपको उत्तराखंड राइड का अगर ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, कमेंट करके बता दो, चैनल को भी जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कर दो। आगे और भी ऐसे आपको ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगे। और अभी मैं उत्तराखंड से जाते ही 4-5 दिन में हो सकता है जैसे ये राइड खत्म होगी बाद मेरी एक और राइड स्टार्ट हो रही है, तो मैं एक और राइड पे निकल रहा हूँ, तो वो भी आप वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम। सो उस पर शायद मैं सोलो निकलूँ, तो ऐसे ही एक राइड मेरी और प्लान हो रखी है, देखते हैं अगर वो बन गया प्लान तो। मार्केट में घुस गए हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे भी ट्रैफिक काफी है। सो गाइस फाइनली हम भीमताल मार्केट में घुस चुके हैं इस टाइम, और यहाँ पे भी ट्रैफिक ही बहुत है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भीमताल, और सामने लेक देख रही है, और अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी हमने। हमारे पैर होता है ना पीछे, ये होता है, हम अभी इस जगह पे खड़े हैं, आगे से पंजा खुला होता है, ऐसा ही सेफ है इसका, ये राइट पैर है उनका। और जो जहाँ पर ये जो आपको एक्वेरियम बना दिख रहा है ना बीच में, वो उनके जो हमारे पैर रखते तो खाली जगह होती है, वो खाली जगह है। तब उन्होंने महादेव जी की तपस्या की थी इस जगह पे, तो उन्होंने वहाँ एक मंदिर बनाया था, मतलब यहाँ पर ये एक्चुअल में उन्होंने बनाया था, वो आज भी वैसे की वैसे मौजूद है। जब रानी यहाँ आई तो रानी ने इसको कनेक्ट करने के लिए डैम बनाया, रास्ता बनाया, तो वो क्वीन विक्टोरिया डैम, वो वहाँ वो सेल्फी पॉइंट है। तो बाइक में ये प्लस पॉइंट बहुत होता है कि तुम ना भाई कहीं भी पार्क कर लो, गाड़ी होती है भाई गाड़ी के लिए पार्किंग नहीं मिलती, इधर उधर खजल होते हैं, तो बाइक में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी यहाँ पे पार्क कर लो, चाहे रुक के फिर व्यू वगैरह एंजॉय कर लो, निकल लो। सुबह व्यू चेक आउट करो, कितना प्यारा लग रहा है ना सामने, और भाई क्या मजा आ रहा है, क्या फीलिंग आ रही है राइड करने की इस टाइम। तो पहले भाई बाइक की वजह से मूड खराब हो गया था, पर भाई उसके बाद इतना बेस्ट व्यू देखने को मिल रहे हैं, और भाई पब्लिक रिएक्शन ऐसे मिल रहे हैं ना हम लोगों को, क्योंकि पांचों बाइक एक साथ चल रही हैं, जिस भी मार्केट से निकल रहे हैं पब्लिक ना घूम घूम के देख रही है। और व्यू दिखाऊं, ये देखो हम कहां पहुंच गए, शिकारा राइड जो कश्मीर में होती है यहां पे भी होती है, ये देखो। इतना पता नहीं मम्मी हम घूम फिर के आए, पूरा साइड साइड को आइडिया नहीं कितना किलोमीटर होगा नैनीताल यहाँ से। अब यहाँ से भी हम निकल के वापस जा रहे हैं, तो आज रात यहाँ स्टे करेंगे नैनीताल में, और कल नैनीताल से भी निकल रहे हैं, और कल कहाँ जा रहे हैं वो भी देखना, क्योंकि हमारा प्लान सडनली चेंज हुआ है, पहले ऋषिकेश जाना था हमें, पर अब कहीं और जा रहे हैं, तो वो आपको करवाए ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा।
तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, वे छुप जाए, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे। सुबह से भीमताल रुक गए थे, मोमोज वगैरह खा रहे थे और यहाँ पे काफी टाइम लग गया हमें। अब यहाँ से सीधा नैनीताल जा रहे हैं, तो नैनीताल यहाँ से 25 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो वही एक घंटा लगेगा। तो सब बाइक्स निकाल रहे हैं अपनी। फाइनली भीमताल से निकल चुके हम, फाइनली हम नैनीताल पहुंच गए। तो चलते हैं अपने रूम में। सो गाइस हम दोनों आ गए, बाकी बंदे अपने पीछे रह गए, उनका वेट कर रहे हैं, तो उनके आते चलते हैं, वो भी आगे पीछे चल चल आगे आगे चल। सो इस टाइम हम लेके साथ साथ चल रहे हैं, साथ में लेके, और अभी हम यहाँ से यूटर्न लेना है आगे से। So guys, finally we reached. So guys, finally we हम यहाँ पहुंच गए। तो चलते हैं पर रूम में, चेंज वगैरह करते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, तो करते हैं इस ब्लॉग का ही एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। सो अपनी बाइक हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, बिल्कुल सीधी करके खड़ी कर दो, घुस जाएगी यहाँ पे। ये रही अपनी बाइकें, तो यहाँ पे पार्क कर दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब सुबह निकलेंगे यहाँ से। सो कल वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा आप लोगों को कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वेट करना, बहुत मस्त जगह जा रहे हैं। सो गाइस वी आर बैक टू आवर होम, अभी बस हम जस्ट आए हैं, दोबारा जाएंगे नीचे खाना वाना लेने के। सो गाइस ये रही एक बाइक, बाकी चार बाइकें वहाँ पे पार्क कर दी हमने।